दरभंगा जिला में रजक संघ की ओर से बीजो खान तालाब धोबी घाट पर भुइया बाबा का पूजा किया गया सुरेंद्र चौधरी के अध्यक्षता में। इस पूजा कार्यक्रम में दर्जनों लोग शामिल हुए। ये पूजा में कहा जाता है कि यह धरती का पूजा होता है और लोग इसे हंसी खुशी के साथ मनाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है रजक समाज में विकास हो, शांति कायम रहे, उसका उन्नति हो, अपनी संस्कृति का रक्षा हो। ये कई पीढ़ी से हम लोग का जो है सो ये गरीब भुइया बाबा का पूजा कई वर्षों से होते आया है, हम लोग के पूर्वज करते आए हैं, उसको अनवरत हर एक साल प्रत्येक साल के भांति इस साल भी उसको बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। रजक संघ की ओर से इसको प्रत्येक साल मनाया जाता है। क्या मतलब इसमें बलि प्रथा वगैरह? बलि प्रथा भी है और इसमें पान फूल से भी पूजा किया जाता है। इसमें अधिकतर पान फूल से भी पूजा होता है, बलि प्रथा की भी प्रथा है। ये हर साल होती है पूजा? ये हर साल कई तीन चार पीढ़ी से ये होते आया है। क्या नाम हुआ? गजेंद्र चौधरी, रजक संघ के सदस्यता। पूजा है पोखर के किनारे जहाँ धोबी घाट कपड़ा गर्म करने का लोहे सब चीज़ आग से, सब चीज़ आग से और पानी में खराब कर इनका परंपरा रहा। और आज से नहीं, जब से ये पोखरों की उत्पत्ति ही तभी से हमारे दादे पड़ता 50 वर्ष 100 वर्ष कहा जाए वो अधिक से हमारे दादे परदादे इसको बड़ी भुइया का पूजा बाहर में करते आए, उनको बड़ी दे के उनको मन्नत करते हैं ताकि आग पानी से लोग जान माल से हमारे बाल बच्चे सुरक्षित रहें। इसी आशा हर्षोल्लास के साथ हर परिवार मिलकर प्रसाद पान करते हैं। ये गरीब भुइया का पूजा है। कब से हो रहा है ये पूजा? हम लोग के हमारा उम्र जो है उससे 10 पुस्त से ज्यादा उत्पत्ति हुई। अच्छा, घाट हुआ बाबा से क्या सब मांगते हैं भुइया बाबा से? बाबा है गहबर होता है, उसको मन्नत किया जाता है प्रसाद पान फूल से और बलि चढ़ा के उसका प्रसाद पान करके और उनको अर्पण करते हैं जो बाबा को खुश करने के लिए। ये सदियों से चला है, हमारे पूर्वज किए। क्या नाम हुआ? नाम सुरेंद्र चौधरी, अध्यक्ष।